गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में आज का हमारा जो टॉपिक है, मॉडल वर्ब्स पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड एंड डेयर। ठीक है, तो आइए सीखते हैं नीड एंड डेयर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या किसी चीज की जरूरत होना, और डेयर का मतलब है हिम्मत या साहस करना। ये दोनों मॉडल वर्ब होने के साथ साथ एक मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। बाकी ऐसा और कोई मॉडल वर्ब नहीं है जिसे हम मेन वर्ब की तरह यूज कर पाए, लेकिन ये दोनों जो मॉडल हैं ये एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं, यानी कि आप इन्हें टेंसेस की तरह भी यूज कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में, और एज अ मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप थर्ड प्लेस पे नॉट लगा सकते हैं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब के बाद नॉट का भी यूज करने वाले हैं। तो पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत मतलब आवश्यकता। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, मॉडल वर्ब आई नीड, यू नीड नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया हमारा, गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है या तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, यानी कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि मेरे मार्क्स कम आए हो, उस वजह से मैं ये कह रहा हूं आई नीड टू स्टडी। देखिए, यहां पे नीड के बाद टू यूज हुआ है। इस सेंटेंस में हमने इसको एज अ मेन वर्ब यूज करा है, नीड को एज अ मॉडल यूज नहीं करा है। ठीक है, आई नीड टू स्टडी, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन द अदर वर्ब। इसे हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट के रूल से बनाया है क्योंकि इसमें ता और ह आ रहा है। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। अब देखिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू यू नीड टू गो देयर। इसी को अगर हम मॉडल वर्ब से बनाते तो हम बनाते नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, तो भी ये सेंटेंस सही था। यहां पर हमने इसे एज ए मॉडल वर्ब यूज करा। देखिए, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक तरह से मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो हमने यहां पर सब्जेक्ट से पहले नीड को जो यूज किया है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब यूज किया है। मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, यानी कि मेरे अंदर वहां जाने का साहस नहीं है। जब भी हिम्मत और साहस की बात होगी तो आप डेयर का यूज करेंगे। आई डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर, हमारा सब्जेक्ट देन हमारी मॉडल वर्ब, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो थर्ड प्लेस पे हमने नॉट लगा दिया, आई डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, क्या तुम्हारी उससे लड़ने की हिम्मत है, यानी कि क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुम उससे लड़ सकते हो, क्या तुम्हें उससे लड़ने का साहस है या क्या तुम्हारी उससे लड़ने की हिम्मत है। दोनों केस में सेंटेंस कैसे बनेगा, डेयर यू फाइट विद हिम, यहां पर हमने डेयर को एज अ मॉडल वर्ब यूज करा है। और दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, डू यू डेयर टू फाइट विद हिम, यहां पे डू डस का यूज हुआ है, इसका मतलब ये एज अ टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, और यहां पर जो डेयर है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो सेंटेंस क्या बना, डू यू डेयर टू फाइट विद हिम, क्या तुम्हारी उससे लड़ने की हिम्मत है या साहस है, या डेयर यू फाइट विद हिम, दोनों का मीनिंग सेम ही जाएगा, बस यूजेज अलग अलग है। यहां पर मेन वर्ब है, यहां पर मॉडल वर्ब है। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, ये एक डब्ल्यूएच फैमिली भी है, तो हाउ डेयर यू, यानी कि हाउ डेयर यू से लाइक दिस, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। डब्ल्यूएच फैमिली हमारी सबसे पहले आ गई, उसके बाद हमारा मॉडल वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नीड और डेयर का यूज कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में,
नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।